हेलो किसान दोस्तों, नमस्कार किसान साथियों। जून जुलाई में लगाई जाने वाली फूलगोभी वैरायटी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में मैं नोवेल कंपनी की सीड्स वैरायटी के बारे में बात करूंगा, जिसे हम जून जुलाई में लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 जून है, तो मैं यह वीडियो 1 जून को बना रहा हूँ और इस कंपनी की जो वैरायटी के बारे में मैं बात करूँगा, उस वैरायटी की नर्सरी मैं 1 जून को लगा रहा हूँ, तो उसी टाइम में यह मैं वीडियो बनाने जा वाला हूँ। तो किसान साथियों, मेरे एक किसान दोस्त ने कमेंट किया था कि नोवेल कंपनी की जो सीड्स फूलगोभी वैरायटी होती है, उस वैरायटी का अच्छा उत्पादन में नहीं रहता है और उसमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ लग जाता है। तो किसान साथियों, मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार प्रसार नहीं करता हूं और मैं यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं पिछले वर्ष भी इस वैरायटी की खेती किया था, तो हमारी मिट्टी में इस वैरायटी की लगभग अच्छी उत्पादन हुआ था और हमारे यहाँ की हर किसान ठंड मौसम में ही नोबेल कंपनी की वैरायटी की खेती करते हैं, जिसका अच्छा उत्पादन होता है। अगर किसान साथियों, आपके यहाँ अगर नोवेल कंपनी की सीड्स वैरायटी के उत्पादन, अगर फूलगोभी का अच्छा उत्पादन नहीं होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कंपनी की फूलगोभी नहीं लगाएं। किसान साथियों, जून जुलाई में लगाई जाने वाली और कंपनी की मैं वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा। तो किसान साथियों, चलिए आज मैं नोवेल्स कंपनी की जो जून जुलाई में लगाई जाने वाली वैरायटी है, इस पर मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूं। तो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी लाइक शेयर कर देना। तो चलिए किसान साथियों, मैं इस वैरायटी के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताता हूं। जून जुलाई में लगाई जाने वाली नोवेल कंपनी की सीड्स वैरायटी NBH सिल्वर मॉन, जिसका कोड नंबर 1054 है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। किसान साथियों, इसका प्लांट जो साइज होता है वह इरेक्ट टाइप का होता है। फूल गोभी का शेप डोम आकार का होता है। फूल गोभी का वजन जो आधा किलो से 1 किलो तक का आपको देगा। फूल गोभी का कलर प्योर वाइट होता है, उजला। और मैच्योरिटी की बात करें किसान साथियों, तो आपकी प्लांट रोपाई से 55 से 60 दिनों में ही यह फूलगोभी कटाई के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से किसान को बहुत जल्दी यह फसल तैयार होता है और यह मार्केट में आपको चला जाएगा। यानी लगभग 2 महीने में, रोपाई से 2 महीने में किसान साथियों आपका खेत खाली हो जाएगा। यह फूलगोभी लगाने का सही समय किसान साथियों लेट वैरायटी है, यानी मिड लेट में आप लगा सकते हैं। जो लास्ट समय होता है, जो अभी चल रहा है, यह मिड लेट वैरायटी लगाने का समय है किसान। जून जुलाई में आप यह वैरायटी लगा करके अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों, पहले आप बात करता हूँ कि टेम्परेचर की, यह वैरायटी आपको कितना टेम्परेचर में तक यह अच्छा उत्पादन आपको देगा। तो किसान साथियों, कम से कम 30 डिग्री और ज़्यादा 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन दे देगा। तो बस यही ध्यान रखना है किसान साथियों, गर्मियों में आपको कि इसका पानी सही समय पर दें, और ज़्यादा अगर बारिश के समय है तो पानी निकासी का भी व्यवस्था आपको रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, इस पैकेट में 10 ग्राम बीज है, जिसका MRP रेट 432 दिया गया है, लेकिन आप अगर किसी खुदरा दुकान से इसे खरीदते हैं तो किसान साथियों 340 से 350 रुपये में आपको मिल जाता है। तो किसान के लिए नोवेल कंपनी का बीज बहुत सस्ता अवेलेबल हो जाता है। वहीं पर अगर आप दूसरे कंपनी का बीज खरीदते हैं इस समय के लिए, तो 700 से 800 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो किसान के लिए नोवेल कंपनी का बीज थोड़ा सस्ता मिल जाता है, जिस वजह से किसान इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किसान साथियों, इस वैरायटी को आप उत्तर भारत में
इस मौसम में आप लगा करके अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। भारत में आप आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, भारत के सभी राज्यों में आप लगा सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री तक ही टेम्परेचर जाता हो, उससे ज़्यादा जाने के बाद में आपको किसान साथियों थोड़ा लॉस भी हो सकता है और पानी की ज़्यादा सिंचाई आपको करना पड़ेगा। तो यह सब ध्यान में रखते हुए आप नोबेल कंपनी की NBH सिल्वर मोन, इसका कोड नंबर 1054 है, इस वैरायटी को आप जून जुलाई में लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो आपको मैं सेमनिस कंपनी का, जो बायर कंपनी का फूलगोभी वैरायटी डॉन वैरायटी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिसे आप जून जुलाई अगस्त सितंबर इन सभी महीनों में आप लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक शेयर